आपने कभी भ्रष्टाचार की जीती जागती तस्वीर देखी है? अगर नहीं देखी तो आज आप अपनी स्क्रीन पर इस शख्स को गौर से देख लीजिए। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार का इंसानी चेहरा है। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स सुल्तानपुर तहसील का माल बाबू संतोष है, जो कागज पर उसी वक्त सिग्नेचर करता है जब इसकी हथेली पर 500 की करारी नोट रखी जाए। वीडियो में आप साफ देख सकती हैं कि कैसे मुस्कुराकर ये शख्स 500 रुपए घूस लेकर तल्लीनता से काम कर रहा है। शायद सरकार की दी हुई तनख्वाह से इसका पेट नहीं भरता, तभी किसी भी सरकारी कागज पर दस्तखत करने के लिए 500 रुपए की मांग करता है। दरअसल पूरा मामला सुल्तानपुर तहसील का है, जहां तहसील में तैनात माल बाबू संतोष का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में संतोष बाबू दीपक यादव नाम के एक शख्स से किसी कागज पर सिग्नेचर करने का 500 रुपए लेता दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ एक संतोष बाबू की नहीं है, न जाने ऐसे कितने ही संतोष बाबू जैसे लोग हैं जो सरकारी सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, गरीब दलित वंचितों से काम के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं ऐसे भ्रष्टाचारी और घूसखोर कर्मचारी न सिर्फ सरकार की सोच को पलीता लगा रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार की जड़ों को और गहरा कर रहे हैं। खैर, घूसखोर संतोष बाबू का वीडियो तो अब वायरल हो गया है। अब देखना यह है कि इस घूसखोर कर्मचारी पर क्या कार्रवाई होती है। सुल्तानपुर से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता मुकेश दुबे की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।